कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता कलेश नाशाय गोविंदाय नमः। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छे शुभ दिन के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। यह बहुत ही कम होता है कि संक्रांति, एकादशी और गुरुवार कृत का नक्षत्र एक साथ पड़ रहे हों। बहुत ही शुभ योग माना जाता है। दोस्तों, साल में कई ऐसे शुभ योग आते हैं जिन पर अगर अपनी मनोकामना भूल करके भगवान की पूजा की जाए, उपाय किया जाए, उनका बहुत ही अच्छा शुभ योग होता है। जल्दी मनोकामना पूरी हो जाती है। भगवान सूर्य देव का कर्क राशि में प्रवेश, संक्रांति का दिन, भगवान बृहस्पति देव का दिन गुरुवार और एकादशी तिथि, संक्रांति वाले दिन एकादशी का पढ़ना बहुत ही शुभ और अच्छा योग माना जाता है। इस दिन आप पुत्र और धन प्राप्ति के लिए, नौकरी के लिए, शरीर स्वास्थ्य शरीर के लिए उपाय कर सकते हैं। आज मैं आपको तीन ऐसे उपाय बताऊंगा, अगर ये आपने इस दिन कर लिए तो बहुत ही जल्दी आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। दोस्तों, वैसे तो प्रतिदिन हम भगवान की पूजा करते हैं, अगर किसी विशेष योग पर भगवान की पूजा की जाए तो उसका फल सहस्त्र गुना प्राप्त होता है। शुभ दिन वाले समय पे अगर मधुसूदन भगवान की पूजा की जाए पुत्र प्राप्ति के लिए तो यह इच्छा शीघ्र पूरी हो जाती है। धन प्राप्ति के लिए अगर उपाय किया जाए तो माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। अगर आपके शरीर में कोई रोग रहता है या परेशानी रहती है तो आप उसके लिए भी उपाय कर सकते हैं, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। ये दिन और श्रावण मास का महीना यानी भगवान शिव जी का दिन, भगवान विष्णु का दिन एक साथ पड़ रहा है, बहुत ही अच्छा योग है। दोस्तों, साल में ये योग कभी कभी आता है, इस योग को चूकने ना दें, इस योग पर ये उपाय करें, आपकी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी। अब मैं आपको उपाय बताऊंगा, उसी विधि से आपको उपाय करने हैं। सबसे पहले 16 तारीख को स्नान आदि कर लें। 16 जुलाई को स्नान आदि करके भगवान मधुसूदन का पूजन करें, भगवान कृष्ण का पूजन करें, घर में गोपाल जी की मूर्ति है तो उसका पूजन करें, उनको वस्त्र पहनाएं, चंदनम महत पुण्यम पवित्रम पाप नाशनम आपदम हरतु में पापम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, आप ऐसे मंत्र बोलते हुए चंदन अर्पण करें। चंदन अर्पण करके हाथ में जल लेकर के संकल्प करें कि हे मधुसूदन, मैं आपके मंत्रों का जाप कर रहा हूं, यह उपाय कर रहा हूं, मेरे पुत्र कामना पूरी करें। ऐसा कहकर के भगवान के सामने जल छोड़ दें और एकादशी व्रत की कथा सुने। कथा सुनने के बाद में आप भगवान शिव जी का ध्यान करें। दोस्तों, एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आपको कोई भी कार्य सिद्ध करना है तो भगवान गणेश जी का पहले उच्चारण करना है और भगवान शिव जी का, उसके बाद में आप भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें, देवकी सुत गोविंदम वासुदेवम जगतपते देहि मे तनु कृष्णम त्वामहं शरणं गतः। इस मंत्र का जितना ज्यादा जाप हो सके उतना ज्यादा जाप करें, आपकी पुत्र की इच्छा पूरी होगी। अगर आपके कार्यों में रुकावट आ रही है या शरीर में कोई रोग है, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, घर में कोई अशांति का माहौल है तो क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जनवल्लभाय स्वाहा, इस मंत्र का जाप करें। शाम के समय केले वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाएं, यह बहुत ही शुभ और मनोकामना को पूरा करने के लिए जरूरी है। वहां पर केले वृक्ष के नीचे घी का, शुद्ध घी का दीपक जला करके थोड़ी सी चने की दाल केले के पेड़ पर चढ़ाएं, और अगर हो सके, अगर आप सुनना चाहें तो बृहस्पतिवार की कथा भी सुन लें। इससे धन की बरकत होगी और पुत्र की प्राप्ति होगी। बहुत ही प्रभावशाली और चमत्कारी उपाय है। जिस मनोकामना से आप ये करेंगे वह मनोकामना जल्दी से जल्दी आपकी पूरी हो जाएगी। एकादशी का तो वैसे भी बहुत महत्व होता है,
जो लोग एकादशी की पूजा करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जिस घर में एकादशी का व्रत होता है वहां पर माता लक्ष्मी का स्थिर रूप से वास माना जाता है। एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य सदा ही पवित्र रहता है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य के यहाँ पर माता लक्ष्मी स्थिर रूप से वास करती हैं और भगवान कुबेर भी आशीर्वाद देते हैं। इसलिए यह उपाय आप जरूर करें और उस दिन एकादशी का व्रत जरूर रखना है, क्योंकि काम का एकादशी है। उसकी वीडियो में जल्दी डाल दूंगा एकादशी व्रत की। इससे आपकी पुत्र की जो कामना है वह जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी। जिनके संतान नहीं है, शादी के कई साल बीत गए हैं, वह भी ये उपाय करें। और जिनको दो या तीन पुत्रियां हैं वह भी पुत्र कामना के लिए ये उपाय करें। अब मैं आपको दूसरा उपाय बताता हूं। ये पहला उपाय था जिस विधि से मैंने आपको बताया है, पूर्ण रूप से उसी विधि से करना है। दूसरा उपाय, शाम के समय माता तुलसी के सामने आपको घी का दीपक जलाना है। घी का दीपक जलाते हुए दीपक में थोड़े से चावल डाल दें, जो व्रत वाले होते हैं वह डालें, और स्वास्तक चिन्ह बना दें तुलसी के पास। ये बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। माता लक्ष्मी का निवास घर के अंदर होता है। ये करने से माता तुलसी आशीर्वाद देती हैं और संतान की प्राप्ति होती है। नंबर तीसरा उपाय, इस दिन आपको गाय के लिए रोटी जरूर खिलानी है। पूजा पाठ करने के बाद में गाय के लिए रोटी लेकर के जाएं और रोटी घी से चुपर के ले जाएं, उस पर थोड़ा सा गुड़ रखें और गौ माता के लिए यह खिलाएं। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली उपाय हैं ये तीनों। दोस्तों, ये ऐसा दिन, ऐसा शुभ समय बहुत ही कम आता है। इस शुभ समय को वैसे ही ना जाने दें। इस समय पे आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए अवश्य एकादशी का व्रत करें और मनोकामना के लिए भगवान की पूजा करें। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये उपाय अच्छे लगे होंगे। आप इन उपाय को करें, भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, भगवान का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा और गौ माता आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाएगी। जय श्री कृष्ण।